कई बार हम किसी के साथ चैट कर रहे होते हैं और कोई सवाल आता है जिसका हमारे पास जवाब नहीं होता, या कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हमें कम जानकारी होती है। ऐसे में ऐप को छोड़कर बाहर जाकर जवाब कौन ढूंढे? इस वीडियो में हम जी बोर्ड के बारे में सीखेंगे। ये गूगल का कीबोर्ड है जिसकी मदद से आप किसी भी ऐप को छोड़े बिना सवालों के जवाब या कोई सर्च कर सकते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। मैंने प्ले स्टोर से ये ऐप पहले से इंस्टॉल करके रखी है। आइए इसे खोल लेते हैं और इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ मैं सैमसंग S7 Edge इस्तेमाल कर रही हूँ, जो एक एंड्रॉइड फोन है। ओपन के बटन पर क्लिक कर लिया। पहली बार जब आप आते हैं तो आपको इसे सेटिंग्स में एनेबल करना होगा। ये है बटन एनेबल इन सेटिंग्स, यहाँ पर क्लिक किया और अब ये हमारे सारे कीबोर्ड्स आ गए। आपको जो जो कीबोर्ड चाहिए आप उसे यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। फिलहाल सैमसंग और गूगल इंडिक कीबोर्ड जो हैं ये एनेबल्ड हैं। चलिए हम इसे भी एनेबल कर लेते हैं। अब हमें एक अलर्ट दिया जा रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप जीबोर्ड को इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आप टेक्स्ट डालेंगे वो सबका सब कलेक्ट किया जाएगा। सिर्फ पासवर्ड्स और पर्सनल डेटा जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर जो हैं वो स्टोर नहीं किए जाएंगे। चलिए हम ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब आए दूसरे कदम पर, सिलेक्ट इनपुट मेथड, यहाँ पर क्लिक किया। अब वो आपसे बोल रहा है कि आपको कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करना है, सैमसंग, इंग्लिश US या इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेजेस। और अब ये जो है जी बोर्ड, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आए तीसरे कदम पर, Step 3, वो बोल रहा है फॉर बेटर टाइपिंग suggestions, प्लीज ग्रांट द फॉलोइंग permissions। आपको कुछ permissions देनी होंगी। सेट permissions के बटन पर क्लिक किया। अब वो बोल रहा है कि क्या आप जीबोर्ड को अपने कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस देना चाहते हैं, तो चलिए अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर आप एडिशनल लैंग्वेजेस या अतिरिक्त भाषाएं भी चुन सकते हैं। चलिए डन के बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंसेस चुन सकते हैं। देखिए फिलहाल लैंग्वेजेस जो हैं, लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश US अपने आप से चुना हुआ है। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ पर इनपुट की लैंग्वेजेस चुन सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। इन सब को इनेबल करने से पहले आपको इसे ऑफ करना होगा। अब ये देखिए इंग्लिश US जो है वो सिलेक्टेड है। आप यहाँ पर अपनी देश की इंग्लिश चुन सकते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंग्लिश इंडिया चुन सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश US या इंग्लिश UK भी चुन सकते हैं। फिर नीचे गए, यहाँ पर बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, एशियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आसमीज, बंगला वगैरह वगैरह। हम सीधा जाते हैं नीचे हिंदी पर। ये देखिए ये है हिंदी, हिंदी कॉम्पैक्ट को हमने ऑन कर दिया। अब ये जो है ये अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको हिंदी के अक्षर मिल जाएंगे, जैसे कि गूगल इंडिक कीबोर्ड में होता था। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। और हिंग्लिश, हिंग्लिश जो कि इंग्लिश और हिंदी के मिक्सचर को कहते हैं। चलिए अगर कोई और भाषाएं हैं जो आपको आती हैं, अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं तो आप और भी भाषाएं यहाँ पर चुन सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसी लैंग्वेज चुन लेती हूँ जो मुझे आती है, जैसे कि रशियन और जैसे कि स्पैनिश। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रही हूँ। जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं आप वो चुनिए। चलिए वापस यहाँ एरो के बटन पर क्लिक किया और यहाँ से हम बाहर आ गए। अब आते हैं प्रेफरेंसेस पर। प्रेफरेंसेस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप बहुत सारी अलग अलग प्रेफरेंसेस जो हैं चुन सकते हैं। आपको जो प्रेफरेंस चाहिए आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये नहीं करने वाली। फिर आए थीम पर। थीम पर क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग थीम्स हैं, हम डिफॉल्ट थीम ही रहने देने वाले हैं। फिर आए टेक्स्ट करेक्शन पर, यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं, हम उन्हें ही रहने देने वाले हैं। चलिए अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब जीबोर्ड काम कैसे करता है? देखिए ये आपकी हर ऐप पर काम करेगा, और आपको अगर कुछ सर्च करना है तो आपको ऐप बंद करके गूगल पर जाने की जरूरत नहीं है। जीबोर्ड कीबोर्ड के आइकन पर क्लिक करते ही गूगल की फंक्शनैलिटी को आप अपने चैट में ही पा सकते हैं, फिर चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप या फिर कोई और ऐप। आइए देख लेते हैं। ये है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर क्लिक करके इसे खोल लिया।
यहाँ पर चलिए इधर क्लिक करके कुछ खोल लेते हैं। ये एक मैसेज आ गया कि सिंगापुर में इस समय टेम्परेचर क्या है। अब हम यहाँ पर कीबोर्ड की जगह पर चले जाते हैं और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक जी का निशान या जी का आइकन आ गया है। जैसे ही आप इधर क्लिक करते हैं, ये देखिए, ये एक ट्रे सी खुल जाती है। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब किसी ने हमसे पूछा है कि सिंगापुर में इस समय टेम्परेचर क्या है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं टेम्परेचर इन सिंगापुर। अब ये देखिए, यहाँ पर ये सिंगापुर का जो टेम्परेचर है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ शेयर पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, फिलहाल जो है ये फारेनहाइट में है। खैर, कोई और चीज देख लेते हैं। और अगर आप इसे इस तरह से स्लाइड करेंगे तो आपको गूगल के सारे रिजल्ट्स अपने व्हाट्सएप के अंदर दिख रहे हैं। आपको गूगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी लिंक को इस समय यहाँ पर अपनी चैट के अंदर शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये देखिए इधर क्लिक किया, तो आप गूगल में भी जा सकते हैं। और ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस या फिर 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चलिए, यहाँ से हम बाहर आ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। अब मान लीजिए कि किसी ने आपसे ये सवाल पूछा, तो आप यहाँ कीबोर्ड पर क्लिक कर लीजिए और उसके बाद जी बोर्ड पर चले जाइए और डाल दीजिए कैपिटल ऑफ मलेशिया। ये आ गया कैपिटल ऑफ मलेशिया। इधर क्लिक कर दिया, ये देखिए अंदर ही आपको पता चल गया कि ये कुआलालंपुर है। अगर आप ये चीज़ चैट में डालना चाहते हैं तो बस शेयर पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर दीजिए। इससे ये आपकी चैट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा और जिनके साथ आप चैट कर रहे हैं वो यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो ये तो थी इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़। अब यहाँ पर क्योंकि ये कीबोर्ड है, कुछ और भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हैं, आपको दो तीन चीज़ें और बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये ग्लोब का निशान है। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आप इधर कुछ हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये वाला कीबोर्ड चुना था, इसलिए हमें ये हिंदी में भी दिखना शुरू हो गया है। चलिए हम पहले जी बोर्ड के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ क्या कैसे, और सर्च के आइकन पर क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये क्या कैसे की वेबसाइट आ गई। आप चाहें तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप इसे साझा कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर लिंक आ गया और आप चैट के अंदर ही ये शेयर कर सकते हैं। फिर चाहे वो वेबसाइट हो या फिर YouTube का कोई वीडियो हो, ये हमने हिंदी में जी बोर्ड को इस्तेमाल कर लिया। अगर आप स्पेस बार पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको हिंदी दिखा रहा है, क्योंकि जब आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी निकलेगा। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो ये ग्लोब के निशान पर क्लिक कर दीजिए और ये देखिए, यहाँ पर फिलहाल इंग्लिश, स्पेनिश और हिंदी तीन लैंग्वेजेस हैं। ये वही लैंग्वेजेस हैं जो मैंने एनेबल करी थी। यहाँ पर दोबारा क्लिक किया तो ये देखिए इंग्लिश आ गई, और फिर से किया तो आप हिंदी कीबोर्ड पर भी टाइप कर सकते हैं। तो काफ़ी यूजफुल कीबोर्ड है। आपको गूगल इंडिक कीबोर्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने जी बोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया तो। चलिए फेसबुक मैसेंजर पर क्लिक करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर नीचे मैं टाइप कर लेती हूँ। जो आपने कीबोर्ड सिलेक्ट किया था वही का वही यहाँ पर आएगा। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप किसी भी समय इस ग्लोब के आइकन पर क्लिक करके उसे बदल भी सकते हैं। चलिए अब जी बोर्ड के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये ट्रांसलेशन है, आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके गूगल ट्रांसलेट को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप इधर टाइप करेंगे वो गूगल ट्रांसलेट द्वारा ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए गॉट इट पर क्लिक कर दिया। तो अब हम इधर जो है लैंग्वेज चुन लेते हैं। जैसे कि हमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है तो हम यहाँ पर इंग्लिश चुन लेते हैं। इधर आ गया इंग्लिश और इधर आ गया अफ्रीकांस। ये अपने आप से सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी चुन लेती हूँ।
यहाँ पर मेन्यू में जो भी भाषा हो आप वो चुन लीजिए। फिलहाल मैंने इंग्लिश टू हिंदी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हेलो। मैंने टाइप किया है हेलो, लेकिन ऊपर ध्यान दीजिए ये नमस्ते आ गया। अब स्पेस कर देते हैं, हाउ आर यू, ये देखिए, और सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया। मैंने टाइप किया इंग्लिश में, लेकिन ये हिंदी में आ गया। तो बहुत ही काम की चीज़ है, आपको गूगल ट्रांसलेट पर जाने की ज़रूरत नहीं, आप जीबोर्ड में से सीधा ही यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्या ये हिंदी टू इंग्लिश भी काम करेगा? ट्राई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर गए और दोबारा से इधर क्लिक किया और ये हमने स्वैप के बटन पर क्लिक कर दिया। तो अब ये हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा और अब यहाँ पर हमारे पास हिंदी का कीबोर्ड है और अब हमें यहाँ पर हिंदी में कुछ टाइप करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेती हूँ, ब ह, यहाँ पर गए, दोबारा गए और न, बहन। तो ऊपर ध्यान दीजिए मैंने हिंदी में टाइप किया, लेकिन वो यहाँ पर सिस्टर जो है ये आ गया। तो गूगल ट्रांसलेट भी जीबोर्ड के द्वारा हम पा सकते हैं। वैसे तो जीबोर्ड के बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक से फीचर्स थे जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखा आपने, काफ़ी काम का कीबोर्ड है जीबोर्ड। आप इसे आसानी से इंस्टॉल करके किसी भी ऐप में से चैट कर सकते हैं और गूगल के कई प्रोडक्ट्स की फंक्शनैलिटी अपने चैट में ही पा सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को सबके साथ शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या जानकारी लगातार पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता, थैंक यू, धन्यवाद।